मैं मधु, कैसे हो फ्रेंड्स। तो आज है सैटरडे 14 जनवरी। यहाँ पर जानू को देख रहे हो जो कुछ काम कर रहे हैं, तो वो खुशी को रूबेला वैक्सीन लगेगा स्कूल से, तो वो उसी का फॉर्म फिलअप कर रहे थे। यहाँ पर हम आज है सैटरडे तो और जानू को ऑफिस भी जाना है, तो मैंने बोला चलो कल मकर संक्रांति है, 15th को है, तो आज मैं जा रही हूँ सब्जी वब्जी खरीद लेने के लिए। सब्जी जो खरीद के पहले ले आते तो सड़ जाता, इस वजह से मैंने थोड़ा फ्रेश ही सब्जी लाया, क्योंकि त्यौहार का दिन है तो कुछ अच्छा ही मतलब खिचड़ी बनता है, तो फ्रेश फ्रेश सब्जी रहेगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं मार्केट में आ रही हूँ और यहाँ पर मैं सब्जी खरीद रही हूँ और इनको बोल दे दूंगी चुन के मुझे जो लेना रहेगा और फिर अपना ये घर दे आएंगे। तो मैं इसी तरह से करती हूँ क्योंकि फिर ये लोग देंगे और जो है मुझे पसंद नहीं आएगा इस वजह से। तो फ्रेंड्स, मैं कल मुझे ज़्यादा काम ना हो तो मुझे सब्जी वाले भैया सब्जी दे गए, तो मैं यहाँ पर बैठ के अपना सब्जी कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सब्जी कटिंग में बहुत टाइम जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फिर से सब्जी कटिंग हो गया और हो गया फ्रेंड्स नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे 15th जनवरी, जो कि आज है हम लोग का मकर संक्रांति तिला संक्रांति, जो कि कैसे मनाते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो अभी 5 बज रहा है और कितना अंधेरा है, बहुत अंधेरा था, उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे तो आदत है उठने का, इसी टाइम में मैं एवरी डे उठती हूँ और बाहर नहीं निकलती हूँ, घर में अपना अंदर में काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी वाड़ी भी चलना शुरू हो चुका है, जिंदगी तो रुका नहीं है, सबका सब चल ही रहा है, अंधेरा है तो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मेरा जो देख सकते हो मेन गेट का दरवान जो है वो भी अपना गेट वेट खोल रहा है, सब अपना काम में लग चुका है और जो है अंधेरा तो रहेगा ही, और यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है और ठंडा जो बोलो कि कोहरा तो बहुत है, ठंडा बहुत मामूली सा था, जो कि आपको आगे मुझे देख के पता ही चल जाएगा। और यहाँ पर जानू भी उठ ही गए थे और ये देखो रोड पर चल रहा था, ये मोबाइल देखते देखते, तो जानू को इतना हंसी आ रहा था, बोल रहे थे जो गिर भी जाएगा ये, आगे देख के नहीं चल रहा था। यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ और जितना ठंडे का एक्टिंग कर रही हूँ उतना ठंडा है नहीं, तो मैं थोड़ा सा एक्टिंग कर ली हूँ, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। और यहाँ पर हम लोग जब सर धोते हैं तो तेल सिंदूर लगाते हैं, तो वो लगा रही हूँ तेल सिंदूर और थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी, जैसे कि मेरा डेली का होता है, थोड़ा ही मैं मेकअप करती हूँ, उतना करती नहीं हूँ, क्योंकि आप ब्लॉग देखते होंगे तो पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पर बॉडी लोशन भी लगा लेते हैं, ठंडा का है तो ये थोड़ा सा बॉडी क्या होता है ड्राई हो जाता है। और यहाँ पर देखो बेइज्जती में गिर ही नहीं रहा है, महा बेइज्जती कर देता है कभी कभी, जानू हंस रहे थे बैक में मैं, क्योंकि यहाँ तो मैंने बंद कर दी हूँ आवाज़ और ये मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा पूजा भी चालू है, पूजा कर लेती हूँ और फिर जो है यहाँ पर पूजा एंड हो चुकी है। प्रसादी जो मैंने तिल गुड़ और चावल का चढ़ाया था, आज तिल का लड्डू बनता है, बट जानू बहुत लेट आए ऑफिस से तो मैंने तिल का लड्डू नहीं बनाया, बहुत लेट हो गया था, तो मैंने सोचा सिर्फ तिल का प्रसाद चढ़ा देती हूँ और प्रणाम वरनाम सब हो गया। यहाँ पर मैं किचन में आ गई पूजा करने के बाद, क्योंकि आज के दिन जो होता है सब कुछ आपको सवेरे सवेरे कर लो नहा धो के, और आलू आजकल कितना मिट्टी मिट्टी मिलता है ना, इस वजह से मैं आलू को धो के रख ली थी रात को ही। यहाँ पर मैंने उड़द दाल वाला, आज खिचड़ी बनता है काला दाल जो होता है उड़द वाला, वो छिलके वाला का ही, तो मूंग और उड़द और चावल दोनों को लेके पूरा मूंग दाल के बनाएंगे तो बहुत काला हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा मूंग दाल भी मिक्स करके औधन चढ़ा के फिर यहाँ पर मैं धो वो के साफ करके डाल भी दी। यहाँ पर खिचड़ी में डालने के लिए आलू फ्राई कर रही हूँ, आलू फ्राई कर और वेजिटेबल कट करके रखी हूँ। यहाँ पर जो है मैं हल्दी को गर्म पानी में घोलूँगी तब डालूँगी खिचड़ी में, जिससे कि उसका फ्लेवर और कलर जो है अच्छा से आ पाए। और यहाँ पर गोभी भी डाल दी हूँ और गोभी आलू फ्राई हो चुका है, बाकी जो मिक्स सब्जी मैंने काटा था उसको एक ही साथ गोभी आलू को अलग अलग फ्राई किया था। और यहाँ पर जब खुशी भी नहा के आ गई, जानू भी नहा के आ गए, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा घूर लगा लिए फ्रेंड्स। इस घूर के लिए जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तो बहुत चोरी भी करते थे, चोरी इन द सेंस क्या, दादाजी जो होते थे ना, दादाजी का ये रहता था जो बच्चा कहीं इधर उधर ना जाए, क्योंकि कितना भी हो ना साफ सफाई रहता था, तब पर भी जंगल टाइप का अगर पुआल उआल रहता ना जहाँ पर, तो वहाँ पर सांप वाँप का डर रहता था, दादाजी घुसाते रहते थे और हम लोग जो है चुरा चुरा के थोड़ा थोड़ा के, कि दादाजी बोलते थे हम तुम्हारा घूर के लिए भेजवा देंगे, लेकिन बच्चे लोग को सब्र कहाँ रहता है, और वही काम हमारे बच्चे करते हैं तो हम लोग कितना डांटते हैं ना, और पहले हम लोग वही काम कर चुके होते हैं।
तो ये इसी तरह से हम लोग मकर संक्रांति में चुड़ा के और जो दादा दादी वाला मजा होता था त्यौहार में, जो दादा दादी को बहुत मिस करते हैं, दादा दादी वाला कुछ अलग ही लेवल का एक्साइटेड होता है। तो यहाँ पर हम भी अपना गुड़ लगा लिए और तिल डाल के जो हम लोग को दादी सिखाई थी वही करते हैं। तो यहाँ पर जो है तिल डाल के प्रणाम करना रहता है और ये तो एक तरह से होलिका दहन जो होलिका दहन बोलनी, तो यहाँ पर प्रणाम करना रहता है और जो है तिल डाल के प्रणाम करते हैं। हम लोगों ने बचपन में देखा था ये, तो यहाँ पर खुशी को भी तिल दे के प्रणाम करवाई हूँ मैं भी, जानू को भी, सबको। और यहाँ पर खुशी गाना लगा दी है और खुशी को देखो कितना सुंदर से अपना खुद ही सज धज के एकदम बैठी है, जैसे लग रहा है पूरा पंजाबी फैमिली हो गई है। खुशी खुशी लग रही है पंजाबी जैसी पूरा। वो लोग ऐसे ही लोहड़ी में तैयार होते हैं ना, खुशी तारक मेहता में देख देख के ना, इसीलिए वो शायद इतना रेडी हुई है। तो यहाँ पर गाना चला दिया है, नाच भी हो रहा है, फोटोशूट भी हो रहा है और यहाँ पर जो है जितना हम लोग इसको घूर को तापे, घूर मीन्स होता है जो चारों तरफ लोग बैठा रहता है और आग जला के, तो वो तो है नहीं, तो हम लोग अपना तीन लोग हैं उसी को घूर बोल रहे हैं, घूर लगा के बैठे हैं, आग जला के आग सेक रहे हैं, आग सेकना को ही घूर बोलते हैं जहाँ पर 10 लोग बैठे रहते हैं। तो हमारे पास तो जाला ये लकड़ी तो था नहीं, तो कार्डबोर्ड से ही हम लोग ने अपना काम चला लिया और बहुत ही मज़ा आया। आज के दिन तो मकर संक्रांति था तो बहुत ही, सुबह सुबह नहा नहा के ना, पहले तो मन नहीं करा था नहाने का, ठंड लगेगा, नहाए तो उसके बाद तो ठंड ही नहीं लगा। और पहले के लोग जो थे बच्चे में क्या होता था ना, जब बहुत पहले 1 जनवरी को नहाता था फिर मकर संक्रांति के दिन नहाता था, तो बच्चे लोग को बोलता था क्या मकर संक्रांति के दिन जाओ जल्दी से नहा के आओ, जितना बार तुम नहाओगे उतना तिला चुरला मिलेगा लड्डू। आजकल के बच्चों को ये सब एक्साइटेड कुछ नहीं रहता है जो मुझे ये खाने को मिलेगा, क्योंकि एवरीडे मिल ही जाता है, पहले लोगों को त्योहार त्योहार में ही मिलता था। आजकल तो लोग हमेशा बनाते ही रहते हैं ये सब लड्डू वड्डू सब खाता ही रहता, तो उतना एक्साइटेड नहीं रहता जो मुझे ये मिलेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा त्यौहार का रहता है जो ये इसके लिए घूर के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का मन लगा हुआ था, वो तो पहले से बैठी हुई थी कब लगाओगे मम्मा, कब लगाओगे। तो फिर फाइनली हम लोग ये भी लगा के बैठ गए, जानू बोले थे कितना जलाओगे गर्मी लग रहा है, फिर हम लोग बोले नहीं आज का तो दिन घूर लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई ये नहीं है। तो घूर के साथ हम लोग देख रखते नाच नवाज सब हो रहा है, बहुत एक्साइटेड लेवल है, एकदम सज धज के सब एंजॉय कर रहे हैं। और फ्रेंड्स जो है यहाँ पर तो मैंने खिचड़ी विचड़ी दिखा दिया है, आज शाम को होगा तो हम लोग जो है मेला लगा हुआ है कोलकाता में, तो ठंड का मौसम में बहुत मज़ा आता है क्योंकि ज़्यादा ठंड रहता नहीं है, मेला वेला लगता रहता है, पिकनिक भी। हाँ, पिकनिक से याद आया फ्रेंड्स, हम लोग को फिर पिकनिक भी जाना है जानू के ऑफिस की तरफ से, तो वहाँ पर भी जाना है। वो कब जाना है डेट फाइनल नहीं हुआ है, तो जब डेट फाइनल हो जाएगा तो वीडियो तो शूट होगा ही, और आज होगा तो मेला जाएंगे। तो आज का जो है वीडियो मैं ये वाला इतना ही रखूँगी, जहाँ पर मैं खिचड़ी विचड़ी जो दिखाई हुई इस वीडियो में उतना, और ये तिल चावल हम लोग को दादी देती थी खाने के लिए, जो ये होता है सबको देते थे घर में, जितने छोटे बड़े सबको, पापा सबको दादी देती थी। यहाँ पर मैं हूँ अपने घर में बड़े, तो हम जो है मतलब जानू है उसके बाद मैं हूँ, तो बच्चे को हम दोनों दिए हैं और एक दूसरे को भी दे दिए हैं, क्योंकि एक दूसरे का तो मदद करना ही है। तो इसका मतलब यही होता है तिल चावल बहोगे तो वो बोलेगा हाँ, तो मतलब हेल्प करना, मतलब मेरा काम करोगे, मतलब बड़े होकर जो होता है ना अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करना ये वो सो, तो इसमें भी खुशी हंसा हंसा के वो भी देगी हम लोग को। तो मैंने भी खाया, उसके हाथों से भी वो भी मुझे खिला दी, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही होता रहता है। यहाँ पर मैं जानू को भी दे दी हूँ और जो है यहाँ पर हंसी मजाक करती है, वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगी। फिर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरा वीडियो इसी तरह से आप लोग को जाता रहेगा बेल आइकन प्रेस करने से, और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। उधर धूप भी निकल गया है और मैं थोड़ा सा बाहर आके देखी तो धूप निकल चुका था, और मैं देख रही हूँ कि अपना आईब्रो कितना बड़ा हो चुका है, 2-3 महीना हो चुका है, दिवाली में बनाई थी वही, उसके बाद नहीं बनाई हूँ, और ईयर रिंग पहनी थी वो खोल ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक मैं तामझाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।